इन्वेस्टर्स, जैसा कहा था वैसा ही हुआ इस स्टॉक के अंदर। देखिए, मैं कल इसमें वीडियो नहीं बना पाया था, आपको अपडेट नहीं दे पाया था। इस स्टॉक पे मुझे कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीटेड सेक्शन दिख रहा था। जिसने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी उनको मालूम होगा जो भी मैंने इसमें कहा था। देखिए, स्टॉक पे मैं बुलिश था फॉर द लॉन्ग टाइम बिंग, बट मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको ऑलरेडी बताया था कि इस स्टॉक में मुझे जो पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है कि हल्का सा अप गया एंड देन डाउन गया, हल्का सा अप गया एंड देन डाउन गया, हल्का सा अप इस बार भी गया था इस लेवल पर, एंड देन हमें अच्छा खासा डाउन लेवल देखने को मिला, जो मैं आपको बता रहा था कि कहीं ये ना हो जाए इस स्टॉक में, वही हुआ। अब अगर मैं बात करूं, देखिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट इस स्टॉक ने ड्रॉ किए हैं वो कहीं ना कहीं 368 4.85 पर इसने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है दो बार। अगर आप देखें 26 तारीख को और एक 28 तारीख को, आज के दिन हमें इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ये स्टॉक करीब करीब अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको उस तक पहुंचा, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया, देन हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। कल के दिन अगर हम देखें मार्केट में हल्का सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में भी एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाएगा इन द टाइम बिंग, अगर आप हल्का सा पेशेंस रखें तो। देखिए, स्टॉक में जो मैं मूवमेंट बताता हूँ, 364.85 को ब्रेक करता है, रेड कैंडल का डाउन साइड फॉर्मेशन होता है, तो स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेगी इन द टाइम बिंग, अभी की बात अगर करें तो। और अगर स्टॉक कल के दिन अपसाइड ट्रेंड दिखाता है 384.95 के लिए, उसको ब्रेक करके ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, तो 397.80 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड विद द सपोर्ट स्टॉप लॉस ऑफ 364.85, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टॉक में बना सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी स्टॉक में हल्का सा बुलिश हूँ। देखिए, स्टॉक में जो हमें करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आईपीओ के बाद जोमेटो पेटीएम हर एक में देखने को मिले थे, तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक से हम उन स्टॉक से इसको कंपेयर कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, बट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 364.85 रुपीज़ अभी की अगर मैं बात करूँ तो।